सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग। हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग जो है वो एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग का टाइप होता है। ओके, अब जैसे हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, जो ब्लैक सर्किल है वो हमारा बेयरिंग है और जो रेड सर्किल है वो हमारा शाफ्ट है। ओके, और इस बेयरिंग में हम लोग लुब्रिकेशन ऑयल प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में हमारा हम लोगों का लुब्रिकेशन ऑयल है। ओके, अभी हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग में लुब्रिकेशन ऑयल को हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई करते रहते हैं, और जैसे ही शाफ्ट का रोटेशन स्टार्ट होता है तो एक वेजिंग एक्शन क्रिएट करता है जिससे कि वो लिफ्ट हो जाता है और एक प्रॉपर रोटेशन प्रोवाइड करता है। ओके, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जैसे ही शाफ्ट का रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे ये शाफ्ट लिफ्ट होता है और एक प्रॉपर सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। बट इसमें एक चीज़ होता है, जो सेंटर होता है शाफ्ट का और जो हमारा हब का यानी कि बेयरिंग का कह सकते हैं, वो कॉन्साइड नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी होती है। ओके, नाउ सेकेंड अगर हम लोग बात करें हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग के बारे में, तो इसमें जो हम लोग लुब्रिकेशन ऑयल प्रोवाइड करते हैं वो एक पंप के हेल्प से करते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रेशराइज्ड ऑयल जाता है और इस प्रेशराइज्ड ऑयल की वजह से शाफ्ट हमारा लिफ्ट होता है और कॉन्साइड कर जाता है हब की एक्सिस से। मतलब मींस इसमें कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं होती है, जो सेंटर ऑफ शाफ्ट होता है वो वही सेंटर ऑफ बियरिंग भी होता है। तो अगर इन दोनों की कंपेरिजन हम लोग करें, तो हाइड्रोडायनेमिक में हम लोग लुब्रिकेशन कॉयल कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोडायनेमिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही लुब्रिकेशन की सप्लाई कर रहे हैं। इसमें कोई प्रेशराइज्ड पंप या कुछ प्रेशराइज्ड ऑयल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी भी रह जाती है। और इसको जनरली हम लोग आईसी इंजन्स, स्टीम टर्बाइंस में यूज़ करते हैं। वेयर एज अगर हम लोग हाइड्रोस्टेटिक की बात करें, हाइड्रोस्टेटिक में हम लोग पंप का यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन ऑयल। तो इसमें एक प्रेशराइज्ड ऑयल जाता है और वो हेल्प करता है कि हम लोग का शाफ्ट और बेयरिंग कॉन्सेंट्रिक हो जाए। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग एंड हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग। वन मोर थिंग, हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग जनरली यूज इन हैवी मशीन्स, लाइक हैवी मशीन्स एंड हैवी मिलिंग मशीन्स, मिलिंग कटर्स। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग।